बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज हम बना रहे हैं बीफ कोफ्ता कड़ी। तो उसके लिए हमें चाहिए कीमा 1 किलो, और अदरक, लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, 1 टीस्पून चिली, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून हल्दी। ये हमें चाहिए कड़ी के लिए। और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी और 3 हरी मिर्चें। और ये हमें कोफ्ता बनाने के लिए मसाला जात चाहिए। और इसके अलावा हमें चाहिए 3 से 4 चम्मच भुना हुआ बेसन। और इसके लिए आप भुने हुए चने भी ले सकते हैं, और चनों को अच्छी तरह से पीस लें। और 3 से 4 टमाटो की प्यूरी, 1/2 कप दही, दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए आपका ताकि अच्छा टेस्ट आए। और प्याज, सबसे पहले हम कीमे में अदरक, लहसुन का पेस्ट डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे और ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और तमाम मसाला जात इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा प्याज, एक मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज और एक अंडा शामिल कर देंगे। इसे हम एक चॉपर में डालेंगे और इसे अच्छे से पीस कर इसके कोफ्तों का मसाला तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप जब कीमा करवाने के लिए जाएं तो उसमें प्याज और सारा कुछ साथ ही करवा लें, पीस लें साथ ही। करेंगे बेसन 4 टेबल स्पून, 3 से 4 चम्मच, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके हम बनाएंगे छोटे छोटे से बॉल्स कोफ्तों के लिए। कीमा आपका ब्रीक अच्छे से पिसा होना चाहिए वरना आपके कोफ्ते टूट जाएंगे। हाथों को थोड़ा सा ऑयल या पानी लगा लें। ये देख लें आप, इस साइज के सारे बॉल्स बना लेंगे अच्छे से। अब ये हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हैं। अब हम इनको हल्का सा फ्राई करेंगे। आपकी घी जो है वो गर्म होना चाहिए, ठंडे घी में नहीं डालने। ऑयल अच्छे से गर्म हो। दो मीडियम साइज़ के अनियन लेने हैं, उन्हें ब्रीक चॉप कर लें और इन्हें लाइट गोल्डन फ्राई कर लें। लहसुन का पेस्ट ऐड करें, अदरक 1 टेबल स्पून और ग्रीन चिली, पिसी हुई पेस्ट डालना है चिली का।
और इसे इतना भुने के लहसुन की स्मेल खत्म हो जाए। अब इसमें टमाटो प्यूरी ऐड कर दें, 1 कप टमाटो प्यूरी। अगर आपके पास टमाटो प्यूरी नहीं है तो आप 3 बड़े साइज के टमाटर लें, उन्हें ग्राइंड कर लें। अब इसमें हमें ऐड करते हैं हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट एंड 1 टीस्पून चिली पाउडर। वन टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। मसाला जितना भुना होगा उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें 1 कप धनिया ऐड करें। मसाला भून चुका है, अब हम इसमें कोफ्ते ऐड करते हैं। कोफ्ते ऐड करने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ग्रेवी के लिए और इसे 10 मिनट के लिए दम पर छोड़ देंगे। ये देखें आप, कोफ्ता कड़ी जो है वो बनकर तैयार होने वाली है। तकरीबन ये गल चुके हैं और कोफ्ते बिल्कुल नहीं टूटे। मसाला जितना भुना होगा उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें 1 कप धनिया ऐड करें। मसाला भून चुका है, अब हम इसमें कोफ्ते ऐड करते हैं। कोफ्ते ऐड करने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ग्रेवी के लिए और इसे 10 मिनट के लिए दम पर छोड़ देंगे। ये देखें आप, कोफ्ता कड़ी जो है वो बनकर तैयार होने वाली है। तकरीबन ये गल चुके हैं और कोफ्ते बिल्कुल नहीं टूटे। मसाला जितना भुना होगा उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें 1 कप धनिया ऐड करें।
मसाला भून चुका है, अब हम इसमें कोफ्ते ऐड करते हैं। कोफ्ते ऐड करने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ग्रेवी के लिए और इसे 10 मिनट के लिए दम पर छोड़ देंगे। ये देखें आप, कोफ्ता कड़ी जो है वो बनकर तैयार होने वाली है। तकरीबन ये गल चुके हैं और कोफ्ते बिल्कुल नहीं टूटे।